Namaste to everyone. Stop shaking hands and stay safe. This is Shubhriyo sir, and today I am going to teach you subtraction part 1. Let's start. बच्चों, जैसे मल्टीप्लिकेशन का टेबल होता है, ठीक वैसे सब्ट्रैक्शन का भी टेबल होता है. तो आज हम सीखेंगे टेबल 1 सब्ट्रैक्शन का. लेफ्ट साइड में जो टेबल दिखाई दे रहा है वही है. तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं. 1-1 = 0, 2-1 = 1, 3-1 = 2, 4-1 = 3, 5-1 = 4, 6-1 = 5, 7-1 = 6, 8-1 = 7, 9-1 = 8, and last 10-1 = 9. तो हमने टेबल 1 कंप्लीट कर लिया. ये वाला टेबल आपको घर में अच्छी तरीके से सीखना है, और जब ये वाला टेबल आप सीख लो तब एक और मेथड है जो हमें सीखना है. अब वही मेथड हम प्रैक्टिस करेंगे. जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1-1 = 0. वो हम दूसरे मेथड से देखेंगे. 1 के लिए हम बनाएंगे 1 लाइन. अब जैसे कि नीचे -1 है, इसलिए हम 1 लाइन को कट कर लेंगे. तो फिर अब हमारे पास कितने लाइन रहेंगे? यस, यू आर राइट, 0. इसलिए हमारा आंसर हो गया 0. अब हम नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-1, इसलिए हम लिखेंगे अभी 2-1. 2 के लिए हम कितने लाइन बनाएंगे? 1, 2. जैसे कि नीचे -1 है, इसलिए हम 1 लाइन को कट कर देंगे. तो अब हमारे पास कितने लाइन रहेंगे? यस, 1. इसलिए अब हमारा आंसर भी हो जाएगा 1. समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले ये वाला इरेज कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3-1. 3-1, तो अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है? 3. -1 पहले से ही है. अब 3 के लिए हम लाइन बनाएंगे 3. 1, 2, 3. अब जैसे कि नीचे -1 है, तो अब हमको 1 लाइन को कट करना पड़ेगा. ये हमने कट कर दिया. तो फिर अब आंसर क्या होगा देखते हैं. कितने लाइंस रह गए? 1, 2. 2 लाइंस रह गए, तो हमारा आंसर भी होगा 2. समझ में आ गया बच्चों? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4-1. इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया 4. 4 के लिए हम कितने लाइंस बनाएंगे? यस, यू आर राइट, 4 लाइंस. 1, 2, 3, 4. जैसे कि नीचे -1 है, इसलिए अब हमको 1 लाइन को कट करना पड़ेगा. तो अब कितने लाइंस रह गए? 3 लाइंस. यस, काउंट करते हैं. 1, 2, 3. तो हमारा आंसर हो गया 3. बहुत ही आसान है ना? यस. ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5-1. तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5. 5 के लिए हम कितने लाइंस ड्रॉ करेंगे? यस, 5 लाइंस. 1, 2, 3, 4, 5. हमने 5 लाइंस ड्रॉ कर लिया. अब नीचे -1 है, तो हमको 1 लाइन को कट करना पड़ेगा. ये हमने 1 लाइन कट कर दिया. तो अब हमारे पास कितने लाइंस रह गए? 4. तो अब हमारा आंसर भी होगा 4.
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6-1। सिक्स के लिए हम कितने लाइंस बनाएंगे? 6 लाइंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमने 6 लाइंस बना लिया। अब जैसे कि माइनस वन है इसलिए हमको 1 लाइन कट करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास कितने लाइंस रह गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हमारा आंसर भी हो गया 5। समझ में आ गया? अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है, ये हम बहुत इजीली कर लेते हैं ना। हाँ, आप ये वाला ट्रिक अपने कॉपी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये वाला टेबल सीखना है, लेफ्ट साइड में जो टेबल, उसका फोटो मैं ग्रुप में दे दूंगा। ये वाला फोटो देख के आप पहले टेबल सीख लेना और बाद में ये वाला मेथड भी ट्राई कर लेना। अब नेक्स्ट हम करेंगे 7-1। 7 के लिए हम कितने लाइंस बनाएंगे? यस, 7 लाइंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमने 7 लाइंस बना दिए। अब जैसे कि नीचे माइनस वन है तो हमको एक लाइन को कट करना है, तो ये हमने कट भी कर दिया। अब हमारे पास कितने लाइंस रह गए? काउंट करते हैं एक साथ। चलो बच्चों, आप भी मेरे साथ काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमारे पास कितने लाइंस है? 6। तो आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8-1। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 8। अब 8 के लिए 8 लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये मैंने 8 लाइंस ड्रॉ कर लिया। अब जैसे कि नीचे माइनस वन है तो उसके लिए हमें एक लाइन को कट करना पड़ेगा। ये कट भी हो गया। अब हम एक साथ काउंटिंग करेंगे कि बाकी कितने लाइन रह गए। चलो तो फिर काउंट करते हैं एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब हमारे पास आंसर क्या हुआ? 7। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9-1। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 9। 9 के लिए हम बनाएंगे 9 लाइंस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे कि माइनस वन है तो अब हमने एक लाइन कट भी कर दिया। अब हमारे पास कितने लाइंस रह गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब हमारा आंसर हो गया 8। इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया, ये मैंने इरेज भी कर दिया। और अब हम करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 10-1। इसके लिए मैंने यहाँ पर, मुझे लिखना पड़ेगा 1, 0, 10, -1। ये मैंने लिख दिया 10-1। तो 10 के लिए हमें 10 लाइंस बनाने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास 10 लाइंस हो गए। अब जैसे कि माइनस वन है तो हम एक लाइन को कट कर देंगे। अब हमारे पास कितने लाइंस रह गए? चलो बच्चों एक साथ काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो फिर अब हमारा आंसर हो गया
नाइन, ठीक है। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है ना। हाँ, आप इसको एक गेम भी कह सकते हो। ये बहुत आसान सा गेम है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये वाला जो टेबल है लेफ्ट साइड में, ये सीखना है। रिमेंबर हाउ टू सब्ट्रैक्ट वन, ये वाला टेबल सीख लेने से बहुत आसानी होगी। आप क्या कर सकते हैं, आप अगर ये ट्रिक अप्लाई भी ना करें तो डायरेक्टली आंसर बता पाएंगे। और आप अगर कभी भी ये ट्रिक अप्लाई करना चाहें तो बाद में ये वाला ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये नेक्स्ट क्लास में बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो हमको दोनों ट्रिक ही सीख के रखना है। पहले ये टेबल सीखना है और बाद में ये वाला ट्रिक भी सीखना है। और ये वाला ट्रिक कैसे किया जाता है मैंने आपको दिखाया ना, ठीक है। अब आपको घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। कहाँ पर करना है, आपके मैथ्स कॉपी में, ठीक है बच्चों। तो फिर बाय बाय। Related videos links you can find out at the description. Please subscribe this channel to get more videos. Like, share, comments please.